पश्चिम बंगाल से एक खुशखबरी सामने आई है। ये खबर जितना खुश करने वाली है उससे कहीं ज्यादा हैरान करती है। तो चलिए अब आपकी क्यूरियोसिटी पर भी फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस्लामपुर के नर्सिंग होम में एक महिला ने 5 बच्चियों को जन्म दिया है और वो भी नॉर्मल डिलीवरी से। भाई इसे आप खुदा का करिश्मा ही समझिए, क्योंकि माँ और बच्चियाँ पूरी तरह स्वस्थ हैं। महिला का नाम ताहिर बेगम है, जिनके घर ये किलकारियाँ गूंजी हैं। बात अगर ताहिर बेगम के प्रेगनेंसी के इस सफरनामे की करें तो वो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। दरअसल उन्हें कुछ महीने पहले ही पता चला कि उनके गर्भ में 5 बच्चे हैं। पहले तो उन्हें काफी फिक्र हुई, लेकिन वो कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं तो फिर क्या था। डॉक्टरों ने उनकी काउंसलिंग की और उन्हें मेंटली सपोर्ट किया। देखते ही देखते डिलीवरी का दिन आया और ताहिर बेगम का सारा डर और दर्द इन नन्ही परियों को देखते ही पुर से गायब हो गया और कभी न भूलने वाली खुशी में बदल गया। यूं तो ताहिर सिजेरियन के लिए भी तैयार थीं, लेकिन सब इतना नेचुरल हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी से ही उनका घर जगमग हुआ। वो कहते हैं ना कि स्ट्रगल अपने आगाज से नहीं बल्कि अंजाम से पहचाने जाते हैं, तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। इम्पोर्टेंट ये है कि इस तरह का पहला किस्सा नहीं है जिसने लोगों को हैरान करने पर मजबूर किया है। हाल ही में एक ऐसा मामला राजस्थान के जोधपुर से भी सामने आया था, जहां एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। इन 4 शिशुओं में 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। खास बात ये है कि इस महिला के घर शादी के 6 साल बाद किलकारी गूंजी है। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि माँ और बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। 4 बच्चों को जन्म देने वाली महिला तुलछा ने भी अपनी मेडिकल कंडीशन को नॉर्मल बताया और काफी खुशी जताई। ज्यादा बच्चों के रिकॉर्ड का मामला तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी सामने आया है, जहां अक्टूबर 2021 में एक महिला ने 7 बच्चों को जन्म दिया था। इस केस में भी माँ और बच्चे पूरी तरह स्वस्थ थे। 7 बच्चों में 4 बेटे और 3 बेटियां थी। ये मामला खैबर पुख्तूनख्वा के इब्दाबाद से सामने आया था। ये तीनों ही मामले अपने आप में चौंकाने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। बिहार की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सारिका राय ने इसका एक से ज्यादा बच्चे होने का कारण बताते हुए कहा, इस तरह के मामले पॉलिसिस्टिक ओवरी से संबंधित होते हैं, यानी कि जिन महिलाओं में इररेगुलर पीरियड्स होते हैं या देर से पीरियड्स आते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा देखने को मिलता है।